इस क्वेश्चन में क्या है बेटा शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस ए ए आर ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए के पावर ए आर के पावर एन माइनस वन हमें दो सीक्वेंस दिया हुआ है एक स्मॉल लेटर में एक कैपिटल लेटर में बेटा अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है तो देखो हमें क्या करना है हमने एक जो टर्म दिया है उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया अब हम क्या करेंगे बेटा अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन वन को और इक्वेशन टू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या होगा ए का स्मॉल वाला ए आर इंटू कैपिटल ए आर यही होगा बेटा ठीक है अब अगला नेक्स्ट क्या होगा ए आर स्क्वायर कैपिटल ए आर स्क्वायर कहाँ तक होगा बेटा ए आर के पावर एन माइनस वन ए आर के पावर एन माइनस वन इसी तरह मल्टीप्लाई होगा मतलब इसका फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा अब क्या होगा बेटा अगर हम इसको देखेंगे तो हमारा क्या होगा ए ए ए बनेगा बेटा यहाँ क्या होगा ए आर ए आर बनेगा सेकेंड टर्म ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर बनेगा यही होगा सीक्वेंस बेटा यहाँ पर क्या होगा ए आर के पावर एन माइनस वन ए आर के पावर एन माइनस वन होगा अब हमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता हो कॉमन रेशियो या कॉमन सॉरी कॉमन रेशियो कॉमन रेशियो क्या होगा सेकेंड वाला अपॉन फर्स्ट वाला तो सेकेंड यहाँ पे क्या है ए आर ए आर अपॉन ए ए मतलब ये कैंसल हो गया तो कॉमन रेशियो क्या होगा बेटा यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या होगा स्मॉल आर और कैपिटल आर यही हमारा आंसर होगा इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं